अमृतसर के मोहकमपुरा इलाके विचों पुरानी रंजिश के चलदियां बच्चों की लड़ाई ने खूंखार रूप धारण कर लिया और गोलियां तक चल गई जिस एक व्यक्ति जख्मी भी हो गया। इस संबंधी जानकारी देंदे जख्मी नौजवान मनजीत सिंह ने दसिया कि जदों वह घर आया तो उसके लड़के को कुछ नौजवान कुट रहे सन जिस दौरान उन्होंने उसके पैरों में गोली चला दी और फिर सिर पर पिस्तौल रख गोली मारन दी धमकियां देंदे हुए उसके सिर में पिस्तौल मार के फरार हो गए। होया यह आ कि 10 बजे उदन 9:30 बजे इतने आ के बंदे रात मेरे घर 22 जने पे आते इतों मुंडे मेरे को अंदरों खिंच के घरों अंदरों खिंच के बाहर उन्होंने खड़िया वा तो उदो मौके से मैं तो इधर बाहर गया हाँ तो मौके से मैं आया जदों तो मैं उन्होंने आवाजा मारिया भी किधर लैके चले मुंडे मेरे को तो इन्हें जनू मेरे से इतने एक ने गोली चलाती उस वेले ही तो नाल ही मेरे इतने रखती गोली कहिंदा मैं तेरे गोली मार देनी हूँ। हाँ जी वो अनशात वो पछाण च नहीं है मेरी इनू हाँ वो शुभम नाम का बंद मुंडा वा कोई कृष्णा नंबर 3 नंबर गली का वो इन्हों नाल लैके इतने आया वा रंजिश यह आ भी वह मुंडिया का कोई झगड़ा होया ही तो यह मुंडे साडे ने कहते फोन पर उन्होंने गल यो पुछी भी की गल हुई आ इन्हें गाड़ियों गाला कड़िया ने वो मुंडे ने भी कोई माड़ा चंगा शायद बोलिया होगा तो वो 9:30 बजे इतने कट्ठे हो गए 22 जने तो मेरे घर आ के पे आ मुंडे मेरे ने अंदरों खिंच के उन्होंने लैके गए आ सारा गली मला गवा जे पिस्तौल ही उन्होंने को होर दातर वगैरह ही 22 जने बंदे ही गए। हाँ जी साडा बचा कोई नहीं है तो इदा खलोते हैं उन्होंने को पिस्तौल ही कृपाना उन्होंने को नुकसान मेरे सिर के इतने बट मारिया इतने मेरे पिस्तौल लाता वा तेरे गोली मार देनी एक गोली थले चलाई है जमीन पर पैरों के एक गोली चलाई है तो दूजी मेरे इतने कहिंदा ला के कहिंदा गोली मार देनी ते अहीं ते फिर चुप करके खलोते रहे सानूं पता लग गया भी इन्हां को हथियार बड़े तगड़े आ पिस्तौल हैगे इन्हां कोल अहीं चुप करके खलोते रहे पुलिस नूं दस्सिया उस वेले जाके अहीं रिपोर्ट की रात पुलिस इत्थे आई आ उन्हें इनकुआरी की आ बंदे भी फड़े गए आ ते शामां तक इन्हां ने बंदे छड्ड दित्ते कहिंदे जी उह कहिंदे साडा रजीनामा हो गया बंदे फड़े ही जी एक इधरों बंदा फड़े 2 तुंगां चों फड़े ते इक कृष्णा नगर चों फड़िया सी उह मुंडे दा प्यो। हाँ जी मुंडे का ना वो जिहड़ा फड़िया ही एक का ना है साहिल तो एक वो जिहड़ा मोती मुंडा एक उहदा डैडी फड़िया ही तो एक इधरले बन्ने जिहड़ा हैगा वा शुभम उहदा डैडी फड़िया ही उन्होंने तो वो शामां तक इन्होंने छड्ड दिता तो मैनूं कहिंदे जी तू राजीनामा कर लिया मैं मेरा कोई राजीनामा नहीं गा मैनूं जे कोई राजीनामा किया तो कित्थे लिखिया राजीनामा दिखाओ मैनूं कोई मैं गल ही नहीं की राजीनामे की मैं दूजे दिन गया वा उत्थे जाके इन्हां मैं पुछया मैं हां बंदे कित्थे आ ते कहिंदे उहदे रात का राजीनामा हो गया। किन्ना चिर होया गल ये 17 तरीक की गल है जी अज वेख लो कितनी तरीक हो गई चाहते यो ही भी जो उन्होंने बनती कार्रवाई आ इन्होंने आतंक मचाया इतने आके कल किसी होर के भी घर पैण के जाके मैं तो फेरी लाना साइकिल उत्ते मेरा किसी ना को ना को वैर आ ना को मैं किसी ना वध घट बोलिया ही अज तक मैं तो मेहनती बंदा वा साइकिल से जाके पिंड सौदा वेचदा मैं बिलकुल जी। मेरा नाम परमजीत कौर इत्थे ही मेरा हसबेंड जिन्हां दे सिर जिन्हां ने बट मारिया है साडा गेट बड़ी जोर दी भन्निया है इन्ना ब गेट भन्निया मेरे बच्चे नूं अंदरों खिच के खड़िया है इन्हां ने ओह शुभम हुणां ने कोई नहीं बच्चियां बच्चियां दी गल ही फोनां ते गल होई कोई आमो सामने ते गल नहीं होई ते इन्हां ने एडा वड्डा एक कीता आ कांड इन्हां नूं चाहीदा सी साडे नाल घर आण के गल करदे तुहाडे बच्चे ने साडे नाल फोन ते कोई गल कीती है आंटी अंकल अपने बच्चे नूं समझाओ इस तरह गल गांह वधूगी अहीं आपे अपने बच्चे नूं पुछ लैंदे फिर इन्हां ने मैं ते नहा रही सी इन्हां उत्तरा साडा गेट बहुत जोर दी भन्निया ते मैं कहा चल बच्चे बच्चे होणे आ आपस विच दी लगे आ बाद च मैं नहा के आई इन्ना रौला पाया मेरे घर वाले दा सिर पाटा आउंदिया लवो लवान होया है ते ओह बट मार के ते उधरों गोली दा इन्हां ने फायर कीता है अभी गोली भी पुलिस वालियां नूं दित्ती आ ओह कई जाणदे आ जी अहे ओह हवाई फायर किया हवाई फायर किया सानू हुण अहीं थोड़ी धारा लाउणियां धारा ते पुलिस वालियां ने लाउणियां है ना राजीनामे दी गल साडे नाल कोई नहीं जी होई ये अपने कोल ही लाई जाणदे आ ओह हैगे सी 20-25 बंदे सारी गली नूं पता है बुलटां ते आए आ बंदे ते पुलिस ने साडी कोई सुनाई नहीं करन दी अहीं जाणदे आ ओह कहिंदे बंदे घरों भज्जे आ अज फड़दे आ कल फड़दे आ ओह इन्हां ने कदों फड़ना है उधर पुलिस वालों पीड़ित के बयान के आधार पर बनती कार्रवाई की जा रही है। एक मनजीत सिंह के बयान से स्टेटमेंट से आप केस रजिस्टर किया कोई शुभम नाम का लड़का से इन्हों का पहला कोई आपस में बेटे ने झगड़ा होया कुछ नौजवानों ना लैके घर आया
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੁਭਮ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਟੋ ਸਟੇਟ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਝਾੜਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 336 323 ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 148 149 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 452 ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝਗੜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 452 ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੇਜ ਵੀ ਕਢਵਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ 8-10 ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੂਟ ਲਹਿੰਗੇ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਫਗਵਾੜਾ